नवगछिया के बीपुर थाना क्षेत्र में 18 नवंबर को हुई टोटो लूट की घटना को पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही सुलझा लिया है। एसपी पूरन कुमार झा ने जानकारी दी कि बबनगामा गांव और अमरपुर के बीच हथियार के बल पर टोटो मोबाइल और रुपये लूटने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि अपराधियों ने टोटो चालक से लूटपाट की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें बीपुर थाना अध्यक्ष और अन्य अधिकारी शामिल थे। तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर महेश कुमार मंडल उर्फ संजू को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर लूटी गई टोटो और मोबाइल इस्माइलपुर रिंग बांध से बरामद हुए। वहीं दूसरा आरोपित विजय कुमार मंडल उर्फ लकड़ा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि महेश कुमार मंडल का आपराधिक इतिहास है। 2021 में कुरसैला थाना क्षेत्र में चोरी और 2023 में परवत्ता थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति पर हमला करने के मामले में वह शामिल था। पूछताछ में दोनों ने लूट की घटना को स्वीकार किया और अपने दो अन्य साथियों के नाम भी बताए। इस सफल ऑपरेशन में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल हमें दिन में लगभग 1 बजे सूचना मिली कि बीपुर थाना अंतर्गत बबनगामा में एक ऑटो, पैसा एवं एक मोबाइल लूट लिया गया है। इस क्रम में बीपुर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित एक टीम बनाते हुए पुवनी विकास कुमार एवं पुवनी धर्मवीर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम ने DIU की मदद से तकनीकी सहायता लेते हुए अपराधियों को राघोपुर परवत्ता थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटा हुआ मोबाइल एवं लूटा हुआ ऑटो बरामद कर लिया गया है। इसमें महेश कुमार मंडल का आपराधिक इतिहास है, ये गोपालपुर थाना से उत्पाद अधिनियम में जेल गया है। इसके अलावा कुरसेला में इसके ऊपर चोरी का मामला दर्ज है, साथ ही साथ परबत्ता में इसके ऊपर मारपीट का मामला भी दर्ज है। अन्य अपराध के बारे में इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अवधेश कुमार नाम के व्यक्ति का टोटो था जो ये लूटा गया है। मुख्य रूप से इन दोनों अपराध कर्मियों का जो अपराध करने का पेशा है वह है अपराध सड़क पर रोड क्राइम को अंजाम देना। ये लोग लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। भागलपुर के टाउन हॉल में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और काउंसलिंग पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। दरअसल पटना के अधिवेशन भवन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भागलपुर में दिखाया गया। इसके बाद भागलपुर जिले के 211 शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय मंडल, कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को सम्मानित करते हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। दरअसल यह पहल राज्य के शिक्षा क्षेत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कार्यक्रम में आयुक्त के सचिव अभय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा और शिक्षा विभाग के सभी DPO उपस्थित थे। अब शिक्षकों का भी विकास इसी तरह उनको वरिष्ठ शिक्षक बनाए जा रहे हैं, उनका जो होना चाहिए उनको सम्मान मिल रहा है, उनका अधिकार भी उनको दिया जा रहा है। आपके तरफ से शिक्षकों को क्या संदेश रहेगा? शिक्षकों को संदेश रहेंगे जिस तरह आपको हमारे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्रमाण पत्र देकर के शिक्षा की दृष्टि में आपको ऊंचा उसी देने का काम किया है, आप ठीक उसी तरह अपने बच्चों को, देश के विद्यार्थी को, राज्य के विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा देकर के उच्च कुर्सी पर बैठाने का काम। भागलपुर जिले में नशे की बढ़ती लत से युवाओं और उनके परिवारों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड नंबर 21 में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, समाजसेवी कमल जायसवाल और जोगसर थाना प्रभारी ने किया। इस बैठक में नशामुक्त समाज के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं मोहल्ले वासियों ने इस अभियान में सहयोग देने और एकजुट होकर नशे की बुरी लत से समाज को बचाने का संकल्प लिया। मोहल्ले के लोगों ने
सभ्य स्वच्छ और सुंदर समाज बनाने की दिशा में अपने विचार भी साझा किए और नशामुक्त समाज बनाने के लिए अपनी सहमति और प्रतिबद्धता व्यक्त की। दरअसल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं को नशे की लत से दूर रखना, उनके परिवारों को हो रही परेशानियों को कम करना और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। वहीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों और समाज सेवियों ने सभी ने इस अभियान में सक्रिय योगदान देने और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की है। मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में दीप नगर चौक, जो हमेशा नशा से संबंधित कांड से लिप्त रहता है, उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने एक सभा आयोजित की थी और सभा में यह निर्णय लिया गया कि जो आदमी बीएस बेचता है, दारू बेचता है, गांजा बेचता है, उसको सामूहिक रूप से हम लोग पकड़वाने का काम करेंगे और प्रशासन को पूरी जानकारी देंगे। आज इसी का बैठक मोहल्ला मंसूरगंज है, जिसे दीपनगर कहा जाता है, और दीपनगर में अब नशा का ये स्थिति है कि उसका विस्तार आगे होते जा रहा है। अब बहुत कम ही घर बचे हैं जो नशा नहीं कर रहे हैं। तो आज लोगों को बुलाकर पार्षद संजय सिन्हा जी, हमारे थाना के थाना प्रभारी किरण सिंह जी, सारे लोग और हमारी जो युवा टीम है, उन लोगों ने बुलाकर लोगों को एकजुट और जागरूकता की बात की है। और मैं सिर्फ एक ही संबोधन करता हूँ, कहता हूँ कि सांप पालने की चीज़ें नहीं होती है, ये गाय और बछड़ा नहीं है, ये सांप जो भी पालेगा सांप उसको काटेगा। और सांप रूपी नशा को यदि आपने पाला तो सबसे पहले आपको ही काटेगा। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा नाबालिगों के सड़क पर वाहन चलाने और इससे होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली कचहरी चौक से शुरू होकर भगत सिंह चौक होते हुए डिक्सन मोड़ पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं कचहरी चौक पर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह और सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कचहरी चौक पर हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में समाज के कई लोगों ने भाग लिया और एनसीसी बटालियन ने भी सक्रिय सहभागिता की, जिसके बाद शहीद भगत सिंह चौक पर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया गया कि नाबालिग वाहन चलाने से कैसे दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इस नाटक ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और समस्या की गंभीरता को समझाया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अभिभावकों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके नाबालिग बच्चे वाहन लेकर सड़कों पर ना निकले। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि अभिभावकों के लिए आर्थिक जुर्माने और दुर्घटना के खतरे का कारण भी बनता है। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा और बटालियन एनसीसी के साथ में हम लोग जागरूकता कर रहे हैं कि नाबालिग बच्चे जो 18 साल के कम उम्र के हैं, वैसे बच्चों को गाड़ी की चाबी नहीं दें, चाहे दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन। ऐसे बच्चे दुर्घटना के शिकार ज्यादा होते हैं। हर साल करीब 10,000 बच्चे, नाबालिग बच्चे मौत के शिकार होते हैं, और ऐसे बच्चे को ब्रेन पर खुद कंट्रोल नहीं रहता है तो गाड़ी क्या कंट्रोल करेंगे, इसीलिए इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। ऐसे बच्चे को लाइसेंस नहीं दें। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के जदयू कार्यालय में 30 नवंबर को टाउन हॉल में होने वाले जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर सांसद अजय मंडल उपस्थित थे। बैठक में जिले के सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों के साथ संयुक्त चर्चा की गई। वहीं मंचासीन अतिथियों को सम्मानित करते हुए 30 नवंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उपस्थित होने की अपील की गई। गौरतलब हो कि कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने और सरकार
बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों की जानकारी भी दी जाएगी। मौके पर जदयू के प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत इकाई से लेकर प्रखंड इकाई से लेकर जिला इकाई तक के तमाम साथी 30 नवंबर को टाउन हॉल में पहुंचे और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व का टीम है वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री रत्नेश सदा साहब, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय सांसद रामप्रीत मंडल साहब, सलीम परवेश साहब, ये तमाम हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेता उस दिन आएंगे और टाउन हॉल में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने प्रखंड इकाई से लेके पंचायत इकाई से लेके बूथ इकाई तक के पदाधिकारी को संदेश देंगे। विश्व COPD दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की रोकथाम, निदान और जागरूकता पर विशेष चर्चा की गई। इस वर्ष का थीम अपने फेफड़ों के कार्य को जाने रखा गया, जिसका उद्देश्य फेफड़ों के स्वास्थ्य को समझने और स्पिरोमेट्री जैसे उपकरणों के महत्व को उजागर करना है। दरअसल COPD एक सांस की बीमारी जो फेफड़ों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। यह बीमारी विशेष रूप से तंबाकू के धुएं, वायु प्रदूषण और अन्य जहरीले कणों के संपर्क से होती है। दुनिया भर में हर साल लगभग 3 मिलियन लोग COPD के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं भारत में 30 वर्ष से अधिक उम्र के 7% लोग इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टरों ने COPD के रोग कारणों, रोकथाम और उपचार के तरीकों पर चर्चा की। API के सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि स्पिरोमेट्री न केवल COPD के निदान में मदद करती है, बल्कि जीवन भर फेफड़ों के स्वास्थ्य को मापने का एक प्रभावी तरीका भी है। तंबाकू का सेवन छोड़ना और वायु प्रदूषण से बचाव करना COPD से बचने के महत्वपूर्ण कदम है। कि धुआं धूल वाली चीज से बचें। धुआं चाहे कोई भी फॉर्म में हो, आपके चूल्हे का धुआं हो, आपके सिगरेट बीड़ी हुक्का का धुआं हो, या फिर आपका कहीं कुछ कुछ जला रहे हैं। अब बहुत जाड़ा का समय आ रहा है, अभी खूब होगा, कहीं लकड़ी जलाया जा रहे हैं, कहीं गोईठा जलाया जा रहा है, कहीं वो उसका भी धुआं जो है, ये सारे धुआं और गाड़ी से निकलने वाले इमिशंस जो है, सारे ये सारे धुआं आपको प्रीडिस्पोज करता है, तो उससे बचे। भागलपुर आयुक्त के निर्देश अनुसार भागलपुर के मायागंज अस्पताल का निरीक्षण आयुक्त के सचिव और उनकी टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने OPD, ब्लड सैंपल सेंटर, मेडिसिन विभाग सहित कई अन्य विभागों का गहन जायजा लिया। टीम ने अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से उनके अनुभव और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में सीधा संवाद किया। फीडबैक के जरिए अस्पताल में उपस्थित सुविधाओं और सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन भी किया गया। दरअसल इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मरीजों को बेहतर और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सीय सेवा सुनिश्चित करना है। टीम ने मरीजों की जरूरतों और समस्याओं को समझने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया, ताकि अस्पताल की सेवाओं में सुधार किया जा सके। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रबंधन, स्टाफ की उपलब्धता और इलाज की प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया गया। टीम ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। भागलपुर में अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके पहले संघ ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भागलपुर प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता को आंदोलन की लिखित सूचना दी थी। वहीं धरना प्रदर्शन की शुरुआत महासंघ भवन से हुई, जहाँ से प्रदर्शनकारियों का जुलूस निकला, जिसके बाद यह जुलूस आरक्षी कार्यालय मनाली चौक और DM कार्यालय रोड से गुजरते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय तक पहुँचा। वहाँ प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर विरोध प्रकट किया। संघ के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बकाया वेतन के लंबित रहने से हो रही समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। यह आंदोलन विभाग और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपने प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे।